हाय फ्रेंड्स, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। यहाँ पर इस्कॉन से जगन्नाथ जी आकर भुवनेश्वर के उनके मौसी का मंदिर में वो ठहरे हुए हैं, क्योंकि स्नान यात्रा के बाद उनका तबीयत खराब होता है, फिर रिकवरी के लिए वो मौसी के पास आ जाते हैं लाड प्यार के लिए। तो अभी वो मौसी माँ मंदिर में है और कल बाहुड़ा का मतलब रथ यात्रा का वापसी, तो कल वो वापस चले जाएंगे फिर अपने घर। और यहाँ पर ये भुवनेश्वर है, भुवनेश्वर में वो इस्कॉन मंदिर से आते हैं अपने मौसी के घर और फिर इस्कॉन मंदिर ही वापस चले जाते हैं। तो मैं आज उससे मिलने जा रही हूँ, क्योंकि बारिश का मौसम है, कल हो पाए या ना हो पाए, तो आज ज़रा मैं जगन्नाथ जी को, महाबाहू को ज़रा मिल के आती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये मैडम भगवान के लिए फूल तुलसी सब बिक्री कर रहे हैं, तो हम यहीं से थोड़े से फूल ले लिए। ये लोटस मुझे बहुत ही पसंद है और भगवान जी को भी। नारियल सारे भी है और दीप भी है, तो दीप बाद में लगाऊंगी, सांझ होने के बाद, अभी नहीं। मैं इस समय मंदिर के अंदर हूँ और एक दीप जला दी भगवान के लिए, बस सबके कल्याण हो, सबके मंगल हो, सबके शुभ हो, सबके ऊपर उनका कृपा दृष्टि पड़े, बस और क्या मांगना। मैं इस समय मंदिर आ गई हूँ और ऊपर भजन कीर्तन चल रही है। अभी तो शाम हुआ नहीं, शायद 6:30 के बाद ही आरती होगी, तो मैं आरती देखने के लिए खास आई हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है आरती देखना। बड़े भाई बलभद्र देव, छोटी बहन सुभद्रा देवी, और ये है गोल मटल कालिया। हम लोग उनको कालिया बोलते हैं क्योंकि वो काले हैं और बहुत नटखट है, हमारे सबको बहुत प्यारे हैं वो। देखिए कैसे बैठे हैं। अभी तो शाम होने को आई, थोड़ी देर में आरती होगी प्रभु की, इसीलिए अब उनका श्रृंगार हो रही है, तो इसीलिए दरवाज़ा बंद है। और पीछे भजन भी चल रहा है, देखिए बहुत सुंदर भजन चल रहा है और भावपूर्ण है पूरा वातावरण। थोड़ी देर में जब दरवाज़ा खुलेगी तो प्रभु का आरती भी होगी और बहुत जम के कीर्तन होगा, तो उसी की आशा में बैठी हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है आरती देखना, कीर्तन सुनना, कुछ हो जाता है जैसा। Yeah.
कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम।